ये जगह पे जहाँ पे आया हूँ, ब्लैक एंड व्हाइट लवर्स सर, कौन चार्ट। अब इसके ऊपर ये क्या है सर? मेयोनीज, क्रीम और बटर, उसका फीलिंग। हेलो नमस्ते, सत श्री अकाल दोस्तों। सो आज मैं जा रहा हूँ आयरोली में, ऐसे जगह पे जहाँ पे मिलता है चाट कोन, वेरियस डिशेस, और वो भी बजट में। चलिए आपको ले चलते हैं। उनका मेन्यू कार्ड ब्लैक एंड व्हाइट लवर्स, जहाँ पे मैं आया हूँ ट्राई करने के लिए। मेन्यू कार्ड कुछ इस तरीके से यमी लग रहा है। फ्राइडे क्लूज रहता है, पानी पीने के लिए ग्लास, और ये भी स्ट्रक्चर डिज़ाइंस काफ़ी अच्छा लगेगा जब आप यहाँ पे विजिट करोगे। और यहाँ पे है बॉटल आर्ट्स। अब बॉटल आर्ट को अगर मैं आपको दिखाऊँ तो ये देखिए, इसको देख के आपका थोड़ा सा मूड अगर ख़राब है तो वो भी आपको समझ आएगा, और आपको हैप्पी मूड भी यहाँ पे अकॉर्डिंगली बनाया गया। ये ऊपर लाइटिंग्स वगैरह लगाए तो इधर से समथिंग यूनिक। अब ले चलते हैं आपको इनके किचन में, ब्लैक एंड वाइट लवर्स के। सर्व करने का बहुत बढ़िया सा तरीका, ऐसे स्टैंड से, और स्टैंड्स पे अगर आप देखोगे तो ये बहुत सारे ऐसे कोने बने हुए। ये पहला आइटम हमारा बन रहा है और वो है कोन चाट। तो ये कोन है हमारा पेरी पेरी, उसके ऊपर भाई ये देखने में मुझे अभी से यम्मी लग रहा है, और ये बेसिकली होल्ड करने के लिए आपको हेल्प हो जाएगा। अब इसके अंदर जा रहा है ये मिंट। अब ये बैटर इसके अंदर, इमली की चटनी। किसकी चटनी? इमली, इमली की चटनी। इसके बाद में और ये उसके ऊपर कर्ड, ओके, दही। उसके बाद में शेव नॉर्मल, तब उसके बाद में ग्राउंडनट, तब थोड़ा सा और पेरी पेरी ऊपर से। फर्स्ट आइटम हमारा यहाँ पे बनके रेडी हो चुका है। आप अगर यहाँ पे विजिट करते तो कौन चाट का आपको पे करना होगा 20 रुपीस। भाई टेस्ट करते इसको। अपना कौन चाट बनाने का तरीका तो आपने देख लिया, जिसको जब बना रहे थे भाई मेरे मुंह से तो लिटरली पानी आ रहा था। दिस समथिंग फर्स्ट टाइम इन आयरोली आई बिलीव, क्योंकि मैंने तो अब तक के कौन चाट नहीं खाया भाई कहीं पे। टेस्ट करते इसको भाई। पहले इसको निकालते टाइम पे ये भरा हुआ है पूरा बैटर, तो गिर भी रहा है मेरे हाथ से। लेट्स टेस्ट इट। जो ये मिक्सचर है ना भाई, मज़ा आ रहा है। और साथ ही मैं आपको ये बाहर निकाल के बताऊँ, ये तो नॉर्मली आप इस तरीके से होल्ड करोगे कि आपको पार्सल ले जाना तो आप ले जा सकते हो इसको। पर अगर मैं इसको बाहर निकाल के आपको बताऊँ, इसको मैं यहाँ साइड पर रख देता हूँ, ये पूरा पेरी पेरी का लेयर आपको यहाँ पे नजर आएगा। और साथ ही में अगर मान लीजिए आपको अंदर का बैटर के साथ आपको खाना है, तो आपको बस ये पकड़ के आई जस्ट कांट एक्सप्लेन भाई, ये काफी बढ़िया है टेस्ट में, खाने में भी उतना ही मजा आ रहा है। इसका प्राइस है 20 रुपीज। खाते खाते तो ये खत्म हो चुका है, बट आपको ये बता रहा हूं बस, ये देखोगे अगर तो नीचे तक के ये फिलिंग यहाँ पे मिलेगा आपको, नीचे तक के फुल फिलिंग है। और ये जो पेरी पेरी लगा हुआ है भाई, नॉर्मली अगर आप चाट नहीं खा पाओगे, दिस इज समथिंग विच इज़ यूनिक अबाउट दिस प्लेस। और मुझे वाकई में ये पसंद आया, वही बताने के लिए मैंने कैमरा ऑन किया था। ये अपना दूसरा आइटम अब बन रहा है, और ये है चिकन शॉर्मा। ये प्लेस करने के लिए यहाँ पर, इसमें धुआं भी आ रहा है, काफ़ी गर्म लग रहा है मेरे को। इसके अंदर आएगा बैटर, फर्स्ट आया मेयोनीज, इसको बनते हुए देख के भाई मेरे मुंह से पानी आ रहा। और ये वीडियो में इसलिए कह रहा हूँ कि दिस इज समथिंग मेरे को टेस्टी लग रही है, जिस तरीके से बना रहे काफ़ी बेटर यूनिक, मैंने तो अभी तक के भाई फर्स्ट टाइम देखा हुआ है ऐसा कुछ। मेयोनीज लग के हो चुका है। ये है हॉट सॉस, चिकन रोस्ट है साथ में,
मसाले वगैरह मिक्स करके। शॉर्मा इज एनी टाइम फेवरेट मेरा। नॉर्मली शॉर्मा जो देखा था वो कुछ डिफरेंट था, बट ये बाहर का बैटर मुझे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है भाई। अब इसके ऊपर ये क्या है सर? मेयोनीज। सो ये अपना चिकन शॉर्मा रेडी हो चुका है, नाउ लेट्स टेस्ट इट। सो ये है अपना सेकेंड आइटम जो है चिकन शॉर्मा, लेट्स टेस्ट इट। नॉर्मली स्पून आपने पहले भी देखा रहेगा कोन चाट में, इसमें मैं स्पून यूज़ कर रहा हूँ। मेरे को थोड़ा सा बैटर भी टेस्ट करना है कि कैसे लग रहा है, और मैं ये वाला जो बाहर का इनका कोन है उसके साथ भी खा के देखूंगा। पहले टेस्ट करते, ये इस तरीके से बताओ तो रोस्ट चिकन को काफ़ी बढ़िया तरीके से इन्होंने मिक्स किया हुआ है। ये ऊपर जो मेयोनीज है ये भी इस पर बेटर लग रहा है, थोड़ा सा मेयोनीज भी ले लेते हैं इसके साथ। लेट्स टेस्ट। यम्मी यार सच में, मुझे मैं बहुत शॉर्मा बहुत जगह पे खाया होगा, टू बी फ्रैंक ट्रैवल के वक्त में ही मैंने शॉर्मा खाया हुआ है। दिस इज समथिंग फर्स्ट टाइम मैं खा रहा हूँ, वाकई में आई डोंट हैव वर्ड्स, पूरा मुंह के अंदर मेरा सारा आई कांट एक्सप्लेन यार। मैं खा के देता हूँ, वाकई मेरा काफ़ी टेस्टी है, बहुत बढ़िया है ये। यू कैन डेफिनेटली ट्राई दिस, प्राइस इसका है 50 rupees। तो ये अपना तीसरा आइटम है, दो आइटम तो मैं पहले ही खा चुका हूँ। चिकन ये क्या है? चिकन यम्मी, चिकन यमी, बटर चिकन ग्रेवी। भाई दिखने में ये काफ़ी बेटर लग रहा है, अब इसका आगे का प्रोसीजर देखते हैं। चिकन कबाब है अपना। ओके, तो ये बैटर में नॉर्मली इसको फिल करके लेना है। बटर इसके ऊपर, अब इसके ऊपर से ये सर्विंग का तरीका कुछ मेरे को बेटर लगा यहाँ पे। फीलिंग्स तो आपको भर के ही मिलेगा, ये क्रीम और बटर उसका फीलिंग। सो इट्स रेडी सर अभी। ओके, टेस्ट करके देखते हैं। तो ये यहाँ पे है तीसरा आइटम, चिकन यमी। बनते वक्त इसको देख के मेरे मुंह से पानी आ गया था, रिच लग रहा है मेरे को इसके अंदर का जो बैटर भी आया है। प्राइस इसका है 60 rupees। टेस्ट करके देखते हैं कि इसका टेस्ट कैसा है। इसके अंदर अगर आप ऊपर देखोगे तो आपको बटर क्रीम, ये अंदर आपको बटर चिकन है। यहाँ पे मुझे इतने फीलिंग्स का आइडिया नहीं है, बट मुझे जो भी खाना यहाँ पे देख रहा हूँ यार पहले के दो वो भी मुझे टेस्टी लगे, ये तीसरा वाला है ये भी मुझे यमी लग रहा है यहाँ पे। सो लेट्स टेस्ट इट भाई। वाह यार, इसको अगर रेटिंग की मैं बात करूँ तो मैं 10 out of 10 दूंगा, मुझे वाकई में ये बहुत बेटर लगा। लेट्स सी, इसको बाइट लेके देखते हैं। वे यमी, और जिस तरीके से ये बटर पिघल रहा है, अगर मैं आपको ये बताऊँ ये जो गरम है इसके अंदर जो फीलिंग हमने डाला हुआ था, जैसे बड़े बटर पिघल रहा है उसके अंदर मिक्स हो रहा है, वो काफ़ी बढ़िया लग रहा है खाने में। अब खाना तो हो चुका, अब आपको इस जगह के ओनर से मिलाते हैं। तो ब्लैक एंड व्हाइट लवर्स, जहाँ पे मैं आया था तीनों डिश इनका खाया, मुझे वाकई में यमी लगा, और ये क्रिएटिविटी इनका आपको मैंने पहले भी बताया। अब इस जगह के शेफ और ओनर दोनों से आपको मिलाते, प्रमोद। नमस्कार, सदब स्वामी लीला है। ये आपके 4 बजे डेट, एक चटपटा चाट, एक चिकन शोरमा, पनीर शोरमा, चिकन यमी आणि पनीर यमी। प्राइस पाहायला गेलं आपण चटपटा चाट 20 rupees आहे, चिकन शोरमा पनीर शोरमा 50 rupees आहे, चिकन यमी आणि पनीर यमी 60 rupees आहे। ओके, और ये जगह पे अगर विजिट करना चाहेंगे तो कैसे आ सकते हैं? नॉर्मली मैं आयरोली में रहता हूँ, मुझे पता है यहाँ पे कैसे आना है, बट इन केस अगर कोई पहली बार ये दुकान में विजिट करना चाहता है तो कैसे आ सकता हो? अपने लैंडमार्क के अपने आयरोली डीमार्ट। ओके, आयरोली डीमार्ट से आप आयोग ना तो फर्स्ट लेफ्ट लेके आप सेकेंड लेफ्ट में आपको सामने आना है, तो सामने आके आपको ये बैनर दिख जाएगा। और ये प्लेस का नाम है जो आपका प्लेस है? ये बिल्डिंग का नाम है लक्ष्मी बालाजी अपार्टमेंट। ये प्लेस में आके डिशेस ट्राई करके मुझे काफ़ी पसंद आया, आप भी अगर यहाँ के आसपास से गुजर रहे हो तो ज़रूर करना। ये हमारा एक और नया छोटा सा टेस्टिंग मेंबर है, टेस्टिंग चालू है यहाँ पे। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो,
वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल पे अपने को सब्सक्राइब करना, डू विजिट दिस प्लेस। आपका जो भी फीडबैक रहेगा कमेंट सेक्शन में जरूर मिलाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस।